अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन, और मेरे साथ जो आज टैलेंट मौजूद हैं वो हैं जी बिलाल अलियास जंडीर, हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने जो है वर्ल्ड जो है रिकॉर्ड किया है, उनमें उनका बुक में इनका नाम आया है, और माशाल्लाह से इनके पास 3 सर्टिफिकेट भी हैं, जो कि अभी ये दिखाएंगे और ये खुद भी बताएंगे आपको कि जी इन्होंने कैसे रिकॉर्ड कायम किया, कौन सा रिकॉर्ड कायम किया और इनका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। जी बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना तारीफ करा देता हूँ, मेरा नाम बिलाल अलियास जंडीर है और मैं बहावलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका सबसे पहला गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और 3 times गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। और सबसे पहला जो मैंने रिकॉर्ड बनाया था वो ये था कि सबसे ज़्यादा जानवर की आवाज़ें सुन के और आइडेंटिफाई करना था ये कौन सा जानवर है, वो भी 1 minute के अंदर अंदर। तो मैंने टोटल 23 एनिमल्स किए थे, जबकि पिछला रिकॉर्ड था 16 का, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन है रॉफ मैकमेनस, उन्होंने अपने शो के अंदर तोड़ा था 2016 के अंदर तोड़ा था, और उन्होंने टोटल 16 एनिमल्स जो है आइडेंटिफाई किए थे, जबकि मैंने 23 कर लिया और मैंने रिकॉर्ड तोड़ लिया। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं साथ साथ जो पहला आपको मिला, तो ये मेरा वो रिकॉर्ड है, ये फर्स्ट है जी एनिमल्स का, है ना जी। ये भी 2021 में मैंने अपनी 18वीं बर्थडे पे बनाया था। ठीक है, और इसके साथ ये इनका दूसरा सर्टिफिकेट है जो कि जस्टिन बीबर के उस पर इन्होंने सॉन्ग्स में आइडेंटिफाई किया। और इस रिकॉर्ड के बारे में बता देता हूँ कि ये रिकॉर्ड है जस्टिन बीबर के सबसे ज़्यादा सॉन्ग सुन के और आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा सॉन्ग है, वो भी 1 minute के अंदर अंदर। तो ये पिछला रिकॉर्ड था यूके का सबसे बड़ा रेडियो प्रेजेंटर है सोनी जे, तो उनका रिकॉर्ड था, उन्होंने अपने शो में तोड़ा था ये रिकॉर्ड 2021 में, जबकि उन्होंने आइडेंटिफाई किए 22 टोटल सॉन्ग्स। और मैंने इसी साल तोड़ा है जस्टिन बीबर के बर्थडे पर तोड़ा, तो मैंने 29 टोटल सॉन्ग्स आइडेंटिफाई किए और रिकॉर्ड। माशाल्लाह ग्रेट। और तीसरी अचीवमेंट जो है इनकी हम जानेंगे जी, तो तीसरी अचीवमेंट ये है मेरा तीसरा रिकॉर्ड जो कि सिर्फ मेरा अपना नहीं बल्कि पूरी एक टीम का हम सब ने मिल के बनाया। ये था छोटे छोटे पौधों के साथ उनको लगा के और उनके साथ लिखा जाने वाला सबसे बड़ा लफ्ज, तो इसके अंदर हमने 1111 पौधे इस्तेमाल करके हमने दुनिया का सबसे बड़ा लफ्ज लिखा था पौधों के साथ। सही, और माशाल्लाह इनकी ये तीनों अचीवमेंट्स हैं और माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है, और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इसको, और हमें सोचती हूँ ऐसे टैलेंट को हमें कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसे टैलेंट को हमेशा सामने लेकर आएँ ताकि लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ कितना टैलेंट है, लोग कितना काम कर सकते हैं। जिस तरह हमारा ये प्यारा मुल्क है, हम इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं, और हमारे नौजवान जो हैं वो इस हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है, तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को बढ़ चढ़ कर सामने आना भी चाहिए और हिस्सा भी लेना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया।